नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। राजधानी रांची में महाअष्टमी के दिन मां महागौरी को पुष्पांजलि देने पंडालों में उमड़ी भीड़, खराब मौसम का भी नहीं पड़ा कोई खास असर। खूंटी के मुरहू में पत्नी की हत्या, आरोपी पति को खोज रही पुलिस। चतरा में ड्रग पैडलर पारा शिक्षक धराया 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त। जमशेदपुर में अमरनाथ सिंह गिरोह के रंजीत सरदार को गोलियों से भूना, बीते 20 सितंबर को ही निकला था जेल से बाहर। रांची के मैकलुस्कीगंज में नक्सलियों ने जेसीबी को फूंक डाला, पर्चा में लिखा लेवी देने के बाद ही शुरू होगा काम। गढ़वा में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी धराए, पंडाल से लौटते समय लूट ली थी अस्मत। रांची के मोरहाबादी में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में सीएम होंगे मुख्य अतिथि, खराब मौसम की वजह से वाटरप्रूफ बनाए गए 3 पुतले। पीवीयूएन ने 2 एशियाई शेरों को लिया गोद, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण और पीवीयूएन के बीच हुआ एमओयू। बोकारो के सेक्टर 4 में बीसीसीएल अधिकारी के घर में चोरी, बाउंड्री वॉल फांध लाखों का चूना लगा गए चोर। पलामू के हरिहरगंज में नाली से युवक की लाश मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने लगाया हत्या का इल्जाम। बिहार में उपचुनाव का ऐलान, मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग, 6 को रिजल्ट। भारतीय मूल के विवेक लाल ने अमेरिका में बढ़ाया देश का मान, राष्ट्रपति से मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीडीएस अनिल चौहान को मिलेगी जेड श्रेणी की सुरक्षा, केंद्र ने किया फैसला। भारत को मिला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हर मिनट 750 गोलियां दागने की है क्षमता। छत्तीसगढ़ में महिला ने सब्जी बेचने वाले को जिंदा जलाया, मृतक पर छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम। मुलायम सिंह यादव का हाल जानने मेदांता पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, इस्पात सुप्रीमो से की बात। जमशेदपुर में 4.25 अरब की लागत से बनेगा एमजीएम अस्पताल का नया भवन, विभाग ने जारी किया टेंडर। झांसी में गैंगरेप के 8 हैवानों को उम्र कैद, 23 महीने पहले नाबालिग से किया था दुष्कर्म। रांची में बीसीसीआई के क्यूरेटर लेंगे जेएससीए के पिचों का जायजा, 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका का होगा रोमांचक मुकाबला। वुमेन्स एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 30 रनों से हराया, D&L मेथड से हुआ फैसला। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।